हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर। इस वीडियो में हम गूगल ऐड के डैशबोर्ड को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इस गूगल ऐड के डैशबोर्ड में टन्स ऑफ न्यू फीचर्स हैं, कुछ एडवांस फीचर भी हैं, बट अभी हमारे लिए जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर हैं जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे कैंपेन में, हम उसको यूज करेंगे। पहले तो इसका नेविगेशन स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पे प्लेस की गई हैं गूगल में, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फंक्शन है जिनको हम अभी कैंपेन में यूज कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे फीचर हैं, जब आप इसमें कैंपेन रन करेंगे तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे। बेसिकली आप इस डैशबोर्ड को यूज टू हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि ये मेरा ऐसा कैंपेन है जिसमें मैंने लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, इसलिए हमारे कुछ रिजल्ट भी दिखा रहे हैं सामने। ठीक है, तो मैं आपको गूगल एड के डैशबोर्ड को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट कैंपेन मेन्यू आप इसे कह सकते हैं, ये यहाँ से हाइड हो जाती है इस बटन से क्लिक करने से, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वापस आ जाएगी। ठीक है, ये आप इसमें कैंपेन लेवल में सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। एक एक करके पहले बता देता हूँ, पहले स्ट्रक्चर डिवाइड करा देता हूँ, उसके बाद है यहाँ पे ये ओवरव्यू मेन्यू, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही मेन्यू है। आप इसमें सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देख सकते हैं, जैसे ओवरव्यू हो गया, इनसाइट हो गया, कैंपेन हो गया, एड ग्रुप हो गया, सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही मेन्यू है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा ये नेविगेशन की तरह यूज होता है। ऑल कैंपेन मतलब आप अभी सारे कैंपेन को देख रहे हो, जितने भी इस एड अकाउंट में हमने कैंपेन चलाए हैं वो सारे कैंपेन्स को अभी हम यहाँ पे स्टैट देख रहे हैं, कैंपेन लेवल पे बेसिकली चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड है, जो भी यहाँ पे ये ना सारा हायरार्की की तरह वर्क होता है। मान लीजिए अगर मैं इस कैंपेन पे वर्क करता हूँ तो यहाँ से नेविगेशन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से जैसे ही चेंज होगा ये वाला डैशबोर्ड के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम ऑल कैंपेन को देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कोई भी कैंपेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ वाली नेविगेशन चेंज हो जाएगा, या जैसे यहाँ का चेंज होगा फिर ये वाली चीजें कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आपस में मिलती जुलती है, ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कैंपेन का, बिलिंग का नेम, कोई एड ग्रुप नहीं चल रहा, कोई कीवर्ड नहीं चल रहा, कोई हेल्प चाहिए आपको, यहाँ से सब चीजें सर्च करके आपको इजिली फिगर आउट हो जाएगा। ठीक है, सर्च टर्म वगैरह कुछ भी चीज जो अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन है, इसको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको कुछ ग्राफिकल रिपोर्ट वगैरह आराम से मिल जाएंगे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो। टूल्स एंड सेटिंग, ये बहुत एडवांस ऑप्शन है, इसमें काफी सारी सिंपल चीजें भी हैं और काफी सारी एडवांस चीजें भी हैं। बिलिंग का सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखा दिया था। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड प्लानर है, सर्च प्लानर है, इन सबको एक एक करके डिस्कशन करेंगे, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टैब है वो ये ओवरव्यू वाला टैब है, ये पूरा जो मेन्यू है ऊपर से नीचे तक, उसके बाद ये टूल्स एंड सेटिंग वाला। ठीक है, रिफ्रेश, मान लीजिए जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर हो गई, आपको इसी में ही नए स्टैट आ गए होंगे, अगर आपके बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं तो तुरंत नए स्टैट अपडेट हो जाते हैं, यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे ये सारे जो स्टैट हैं दोबारा से अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से रीलोड का ही ऑप्शन है, यहाँ पे रिफ्रेश दे दिया है। हेल्प का यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई किसी टाइप की हेल्प चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा, कोई बग आ गया है, या तो यहाँ से आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट दे देंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम गूगल नोटिफिकेशन देते रहते हैं, कोई कैंपेन एक्टिव हो गया, डिसअप्रूव हो गया, या कोई कैंपेन बंद हो गया, बजट इशू आ गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से नोटिफिकेशन गूगल के यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी गूगल एड की आईडी है, हाँ ये 10 डिजिट की यहाँ पे आईडी होती है, गूगल एड आईडी, ये स्पेसिफिक होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कशन किया था। यहाँ से आप आएंगे तो कैंपेन को एक नया आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अपने किसी दूसरे कैंपेन में भी स्विच कर सकते हैं। मैं अभी इसी आईडी से लॉगिन हूँ इसलिए मेरी ये आईडी शो हो रही है, आप किसी चाहें तो दूसरी आईडी पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको कोई और आपका गूगल एड का अकाउंट है तो। ठीक है, तो अब डिस्कशन करते हैं। 4 पार्ट्स में मैंने गूगल एड के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया, एक मेरा कैंपेन मेन्यू, दूसरी मेरी ये नेविगेशन मेन्यू आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है, सबसे ज्यादा यही यूज में आती है, ये तो वैसे भी बहुत कम यूज में आती है लेकिन ये वाली मेन्यू बहुत ज्यादा यूज में आती है। उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड, जो भी आप यहाँ पे फंक्शन क्लिक करेंगे वो यहाँ पे डैशबोर्ड के नंबर चेंज होंगे, ये सारा इंटरनली लिंक होता है, आप जो भी यहाँ पे फंक्शन क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आके आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पहली कैंपेन मेन्यू की बात करूं तो ये बेसिकली आपके जितने भी एड अकाउंट के अंदर कैंपेन होते हैं उसको यहाँ पे लिस्ट कर देगा। अगर आपको ये नाम अगर फेमिलियर नहीं लग रहा है तो डोंट वरी, ये कैंपेन के नाम है, जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसका नाम रखते हैं, ये वो वाले नाम है। तो यहाँ पे आपको सारे कैंपेन लिस्ट डाउन कर जाएंगे। अगर आप इस 3 डॉट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे कैंपेन हैं, या फिर सारे वो वाले कैंपेन जो अभी एक्टिव हैं, या फिर सारे वो वाले कैंपेन जो आपने रिमूव कर दिए गए हैं। सिमिलरली आप एड ग्रुप में भी देख सकते हैं, तो ये लीस्ट यूज होने वाला मेन्यू है। उसके बाद अगर आपने कोई कैंपेन क्रिएट करके ड्राफ्ट में रख दिया तो वो यहाँ पे शो ड्राफ्ट से शो हो जाएगा। इसे हाइड करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये साइड में हो जाएगी हाइड। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं होती। उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेन्यू है वो है ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, इनसाइट, कैंपेन, एड ग्रुप, तो एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हमने ये वाली मेन्यू को समझ लिया तो ये नंबर्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे।
ऑल्दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप जैसे ही कैंपेन को रन करेंगे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा, जब फर्स्ट टाइम दिखता है तो अजीब लगता है बट बाद में यूज करते करते यूज टू हो जाता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है, काफी सारे नंबर एनालिसिस के लिए काम आते हैं। मैं सबसे पहले ओवरव्यू टैब में हूँ, सबसे लंबा टैब यही है, इसको सबसे पहले पूरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंपेन का रहा है, अगर आपको कोई नया कैंपेन क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको चार नंबर दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको अगर हटा दूँ तो यहाँ से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी हट जाएगी, ये भी हटा देता तो ये भी हट जाएगी। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, ये आपके हाथ में आया कि आपको क्या चीज देखनी है। अभी अभी मेरे कैंपेन में लगभग 7.5 लाख रुपए स्पेंड हो चुके हैं, इसलिए मुझे इस तरीके के डैशबोर्ड और नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका डैशबोर्ड बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल फ्रेशली क्रिएटेड हो, तो उसमें कुछ भी ना दिखाई दे, बट जब जैसे ही आप कैंपेन को रन करेंगे कुछ रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये टोटली कस्टमाइजेबल है, मुझे कॉस्ट की जगह पे अगर क्लिक देखना तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा। बेसिकली ये टोटली सब्जेक्टिव कॉल है कि आपके बिजनेस के लिए कौन से ज्यादा पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनका ग्राफ आपको दिखा देगा। ठीक है, तो जैसे मेरे लिए क्लिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्लिक्स आ गया 32,000, यहाँ पे क्लिक्स आ चुके हैं, उसके बाद 6,87,000 यहाँ पे इंप्रेशन आ चुके हैं, सीटीआर मेरा 4.67 है। मान लीजिए सीटीआर की जगह पे मुझे कॉस्ट देखना है तो मैं ये जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा सीटीआर वाले पे, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे दिखा देगा 7,67,000 रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ इस पूरे एड कैंपेन में। मेरे को लगभग 25,000 तक यहाँ पे कन्वर्जन मिल चुके हैं, कन्वर्जन को हटाना है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कर सकता हूँ, तो ये कॉस्ट पर कन्वर्जन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक कन्वर्जन के मुझे लगभग 307 रुपये पड़ रहा है गूगल एड में, जो बहुत अच्छा कन्वर्जन माना जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे कलर वाले नीचे वाले कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ से ग्राफ गायब हो जाएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे ग्राफ गायब हो जाएगा, तो आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत ईजी होगा। आप इसका स्नैपशॉट लेके अपनी रिपोर्ट में शो करा सकते हैं, बशर्ते आपको डेट यहाँ पे वही सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिस तरीके से आपको कैंपेन चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी ऑल किया हुआ तो ये सारा कैंपेन सिलेक्ट कर रहा है, आप डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट कीजिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स में डेट सेलेक्ट करते हैं कंपेयर भी हो जाता है, यहाँ से क्लिक करके आप पर्टिकुलर कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज का, 14 डेज का, लास्ट वीक का, तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सारे वैसे ही फीचर आ जाएंगे। मैं इसको अभी क्लिक कर रहा हूँ, ग्राफिकल वे में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि क्लिक्स कैसे जा रहे हैं, कन्वर्जन कैसे जा रहे हैं, इंप्रेशन कैसे जा रहे हैं, कॉस्ट कैसे हमारी स्पेंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं निजी जैसे मेन्यू में आया, यहाँ पे ड्राफ्ट वाले कैंपेन दिखा रहे हैं मेरे, जितने भी मैंने कैंपेन क्रिएट करके ड्राफ्ट में रखे थे वो सारे आ रहे हैं। अगर आप इस कैंपेन पे होवर करेंगे तो आपको हाई लेवल में इस कैंपेन की डिटेल मिल जाएगी कि ये लास्ट कैंपेन कब मॉडिफाई किया गया था, कैंपेन का टाइप क्या है, ये सर्च कैंपेन है, कितने एड ग्रुप इसमें क्रिएट किए गए हैं और कीवर्ड कौन से डाले गए हैं। ठीक है, अभी इसमें नन कीवर्ड दिखा रहे हैं क्योंकि ये डमी पर्पज के लिए कैंपेन क्रिएट किए गए होंगे, तो जितने भी आप कैंपेन ड्राफ्ट में डाल के छोड़ते हैं वहां से आ रहा है। जैसे ही आप इस पे रिज्यूम पे क्लिक करेंगे ये वापस से कैंपेन के डैशबोर्ड में आ जाएगा और आप कैंपेन को क्रिएट कर पाएंगे। डिस्कार्ड कर देंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट वाले कैंपेन है, कई बार ऐसा होता है हम शेड्यूल बना के ड्राफ्ट में रख देते हैं, जब पर्टिकुलर टाइम आता है तो हम उसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन है, ये वो सारे कैंपेन है जिसमें आपके पैसे स्पेंड हो चुके हैं, टॉप 5, टॉप 6 जितने भी आपने कैंपेन क्रिएट किए हैं तो उस पर्टिकुलर कैंपेन को यहाँ पे दिखा देगा, उसमें पैसा कितना स्पेंड हुआ है, कन्वर्जन कितना है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है। ठीक है, एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये पूरा डैशबोर्ड कस्टमाइजेबल है, अगर मुझे कॉस्ट नहीं देखनी तो मैं यहाँ पे क्लिक को कन्वर्ट करूंगा, ये क्लिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा डेली दिसंबर वाला कैंपेन है इसमें मेरा 26,000 क्लिक्स आए हुए हैं, 1652 लगभग कन्वर्जन आई है और एक कन्वर्जन 312 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, ये डेली 2022 का जो कैंपेन है, ये दिसंबर 2022 का जो कैंपेन है उसमें ये स्टैट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आप ऊपर से कस्टमाइजेबल कर सकते हैं बट ये हाई लेवल में कैंपेन को देखने के लिए होता है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आप ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको ये कैंपेन ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा कैंपेन है, इसका नाम ही रखा गया इसलिए ऐसा आ रहा है, डोंट वरी, आप कैंपेन का नाम थोड़ा कस्टमाइजेबल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद इतने क्लिक्स आए, इतने कन्वर्जन आया, एक कन्वर्जन की वैल्यू उतनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक्स को हटा के मान लीजिए मैं कॉस्ट कर देता हूँ, मुझे पता चलेगा मैं कितने पैसे खर्च कर चुका हूँ इस पर्टिकुलर कैंपेन में। दिसंबर वाले में मेरे 5,16,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। ठीक है, नीचे वाले कैंपेन में 1,30,000 खर्च हो चुके हैं, इसमें अच्छे लेवल का पैसा स्पेंड हुआ हुआ है इसलिए इस टाइप के कन्वर्जन और नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका नया डैशबोर्ड हो तो डोंट वरी, जैसे जैसे आप एड को रन करेंगे इस टाइप के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग स्टेटस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली गूगल के कुछ कोड होते हैं जो हम अपने लैंडिंग पेज में वेबसाइट में लगाते हैं ताकि गूगल ये सब ट्रैक कर पाए। गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया या आपका प्रोडक्ट परचेज हो गया, तो वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टॉप कीवर्ड है, बेसिकली ये कीवर्ड का बंच दे रखा है कि ये टॉप इंपॉर्टेंट कीवर्ड की लिस्ट दे रखी है जिन पे हमारा सबसे ज्यादा पैसा लगता है। बेसिकली हमारा पैसा एड पे कैंपेन पे नहीं लगता, हमारा पैसा लगता है कीवर्ड पे, जब कीवर्ड ये ट्रिगर होता है तो हमारी एड ट्रिगर होती है, उस एड जो ट्रिगर हुई है यूजर उस पे क्लिक करके वेबसाइट पे जंप करता है, जो भी उसका कन्वर्जन का एक्शन होता है वो परफॉर्म करता है, तो ये टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड है। जैसे टीथ ब्रेसिस मेरा जो कीवर्ड है इस पे मेरे 43,000 के इंप्रेशन आ चुके हैं, क्लिक
क्लिक्स इतने आ रखे हैं और सीटीआर इतना है। मैं सीटीआर को हटा के कॉस्ट दिखा देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरी कितनी कॉस्ट, मेरा कितना पैसा लग चुका है वो मुझे दिखाएगा। तो जो टीथ ब्रेसिस का कीवर्ड है इसमें मेरे लगभग 32,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, इस सिंगल कीवर्ड पे मेरे 32,000 रुपए स्पेंड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कीवर्ड है उसमें मेरे 14,000 स्पेंड हो चुके हैं, उसके बाद जो थर्ड कीवर्ड है उसमें मेरे 18,000 स्पेंड हो चुके हैं। ये आपका कॉस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। बेसिकली मैंने आपको बताया था ना, जो कैंपेन होता है उसमें हम बिडिंग या जो पैसा लगाते हैं वो कैंपेन लेवल पे लगाते हैं, फिर एड ग्रुप लेवल पे भी लगाते हैं, और वो एड ग्रुप बेसिकली ट्रिगर कब होते हैं, जब आपका कीवर्ड आता है, ठीक है। तो यही कीवर्ड गूगल में सर्च में लोग टाइप करते हैं सेम कीवर्ड, उसके बाद मेरी एड ट्रिगर होती है, तो मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, उसमें इतना क्लिक्स आया और इतने इंप्रेशन आए हैं जो भी मैंने डेट ऊपर सेलेक्ट किया उतने पीरियड में, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे वाले कीवर्ड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि होता गया है, कीवर्ड पे एड ट्रिगर होगी, उस पर लोग क्लिक करेंगे, उतने इंप्रेशन क्लिक्स और ये फर्दर सारे स्टैट आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग की डिटेल दे रखी है, बिलिंग डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाई थी। बेसिकली आपको हाई लेवल में एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके इस मंथ में कितने पैसे लग चुके हैं, पिछले मंथ में कितने लगे थे, और बिलिंग का कार्ड की डिटेल मिल जाएगी, और बैकअप भी आप यहाँ डाल सकते हैं, मान लीजिए कोई पेटीएम एसोसिएट कर सकते हैं, कोई दूसरा कार्ड आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल्स में बिलिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टूल्स एंड सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे बिलिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, समरी कितनी है, ट्रांजेक्शन कितनी है, डॉक्यूमेंट कितना है, प्रमोशन कितना है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट सर्चेस मिल जाएगी, ये कीवर्ड थे, कीवर्ड अलग होते हैं, सर्चेस अलग होती है। सर्चेस में होता है कि यूजर क्या टाइप कर रहा है एससीआरपी में, उस यूजर जो टाइप करता है एससीआरपी में उसके मिलते जुलते इंटेंट पे हमारे कीवर्ड होते हैं, तब जाके हमारी एड ट्रिगर होती है। तो ये यूजर ने टाइप किए गए हैं, इनविजिलाइन ब्रेसिस टुट्सी इनविजिलाइन कोस्ट, ये यूजर टाइप करता है तब हमारी एड ट्रिगर होती है। अभी ये जो सारा है ये क्लिक वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे क्लिक करके इंप्रेशन वाइज या क्लिक वाइज या कन्वर्जन वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कन्वर्जन वाइज कर देता हूँ, तो मेरी सारी कन्वर्जन जो भी ट्रैक होती है उन पे कौन से कीवर्ड ट्रिगर हो रहे हैं वो ये सारे आ गए, ठीक है। तो 32 वर्ड क्लियर लाइनर लाइनर कोस्टिंग या इनविजिलाइन, इन सारे ट्रिगर पे मेरी कन्वर्जन आती है, तो मैंने कन्वर्जन वाइज सॉर्टेड कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसे इंप्रेशन वाइज कर देता हूँ। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है ओवरव्यू का, आपको सारी चीजें एक ही डैशबोर्ड में ओवरव्यू मिल जाती है पूरे कैंपेन को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो अब जो कीवर्ड हुए हैं वो सारे इंप्रेशन वाइज सॉर्टेड हो गए, तो आप इसे प्ले अराउंड कर सकते हैं, देख लीजिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप नया कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें हमारी एड ट्रिगर होती है, ठीक है। ये दोनों का इंटेंट जब मैच हो जाता है तो गूगल में एड ट्रिगर हो जाती है, क्लोज वेरिएंट पे बेसिकली गूगल अपनी एड दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट शोन सर्च एड का ऑप्शन आ रहा है, मान लीजिए आपकी 10 कैंपेन चल रही हैं, उस 10 कैंपेन में से सबसे ज्यादा जो एड शो होती है वो यहाँ पे आएगी। तो मेरी एक ही एड ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार शो हुई है, उस पर इतने इंप्रेशन 2,00,000 के इंप्रेशन आ चुके हैं, 13,000 के क्लिक्स आ चुके हैं, सीटीआर इसका 6.58 है, सर्च एड है उसमें 6.58 का सीटीआर आ रहा है, ये बहुत अच्छा सीटीआर है। हर टैब कस्टमाइजेबल है, ये सारे कार्ड्स होते हैं, जितने भी कार्ड्स हैं ये सारे कस्टमाइजेबल है। मैं क्लिक्स को हटा के मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट कर देता हूँ, तो मेरे इस कैंपेन में कितने पैसे लगे वो भी मुझे दिखा देगा। तो 2,84,000 रुपए मैं इस कैंपेन में खर्च कर चुका हूँ, सबसे ज्यादा चलने वाली मेरी यही एड है, सबसे ज्यादा शोन होने वाली मेरी यही एड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिक दे रखा है, आपका मोबाइल फोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर है और टीवी स्क्रीन है, तो सबसे ज्यादा मेरी जो एड होती है वो मोबाइल पे शो होती है। आप देखिए कलर भी कितना मैच हो रहा है ना, ब्लू कलर है तो ये ब्लू कलर से डिनोट कर दिया, ये येलो कलर है तो येलो कलर से डिनोट हो रहा है, और ये जो टैबलेट का कलर रेड से आ रहा है तो बीच में देखिए छोटा सा रेड आ रहा है। टीवी स्क्रीन पे सिर्फ मेरी कॉस्ट ही लग रही है, मेरा कोई कन्वर्जन नहीं आया, इसलिए यहाँ पे टीवी स्क्रीन है। ये तीन पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखी है, एक कॉस्ट वाइज कर रखी है, क्लिक वाइज कर रखी है, कन्वर्जन वाइज कर रखी है। यही तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी सिर्फ ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन कॉस्ट कितना लग रहा है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि क्लिक्स आ रहे हैं पीपीसी मॉडल है ना, पेपर के क्लिक होगा तो ही पैसे चार्ज होंगे, अदरवाइज इंप्रेशन के कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो ये तीन फैक्टर मैंने ले रखे हैं, आप चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मान लीजिए सीटीआर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या व्यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियो एड है तो, है ना, एवरेज सीपीएम में कर सकते हैं, और कॉस्ट पर कन्वर्जन वैल्यू है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तीन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैं इंप्रेशन को ज्यादा इतना फोकस नहीं करता, कॉस्ट क्लिक्स और कन्वर्जन पे मेरा ज्यादा फोकस रहता है। कन्वर्जन तभी आएंगे जब आपके ट्रैकिंग पैरामीटर लगे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कन्वर्जन के। अगर आपका डैशबोर्ड खाली है तो आप सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये कलर से आपको पता चल रहा है, आप अगर इस पर होवर करेंगे तो आपको वैल्यू भी दिखा देगा। मोबाइल फोन में लगभग मेरे 6,96,000 रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है, टोटल अगर कॉस्टिंग, यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग की बात हो रही है तो 6,96,000 रुपए मेरे मोबाइल में खर्च हुए हैं। उसके बाद मैं लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करूं तो मेरे 65,000 खर्च हुए हैं, टैबलेट की बात करूं तो मेरे 4,000-5,000 स्पेंड हुए, लगभग 4,900, और टीवी स्क्रीन की बात करूं तो 66 रुपीज। टीवी स्क्रीन अभी ज्यादातर लोगों के पास है नहीं, तो अभी नॉर्मली कन्वर्जन आता भी नहीं है उससे जल्दी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्लिक्स की बात करूं तो मोबाइल फोन से सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं,
उसके बाद कंप्यूटर, तो आप होवर कर करके देख सकते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करने के लिए कि आपका पैसा जो स्पेंड हुआ वो कहाँ गया है। ये रिपोर्ट्स बहुत अच्छी बनती है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है लेकिन छोटा भी अमाउंट नहीं है, आपको एनालिसिस पीरियड के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो एड्स का ऑप्शन है, अगर आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे एड चलाई है तो यहाँ पे आपको एड दिखाई दे जाएगी, उसके साथ में उसके इंप्रेशन आ जाएंगे, अभी ये एड एक्टिव है, इतने इंप्रेशन है, इतने व्यू है, इतने सीपीएम है, इतना इसका एवरेज सीपी भी है। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए कॉस्ट पे कर सकते हैं, तो इतना मेरा इस कॉस्ट, मेरा 1,000 रुपये लगभग इस वीडियो में खर्च हो चुका है, तो आपको मिल जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, बट हाँ अगर कार्ड दे रखा है तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, बट ऑल्दो ये सारे कैंपेन के फीचर में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपने कैंपेन क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक का फीचर है, मान लीजिए मैं जेंडर पे क्लिक करता हूँ तो आपको जेंडर पता चल जाएगा कि जो मैंने ऊपर डेट सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग, एक इंपॉर्टेंट बात, जो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने डेट कौन सी सेलेक्ट की है, आप अपने कैंपेन की पर्टिकुलर डेट जरूर ले लेना जिस भी पीरियड में आपको एनालिसिस करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल्स जो है वो मेरे ज्यादा एंगेज कर रहे हैं मेरी एड से एज कम्पेयर टू फीमेल, तो क्या मैं कोई मेल स्पेसिफिक कैंपेन भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा, अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए। उसके बाद मैं यहाँ पे एज वाइज अगर देखूँ तो 18 से 24 ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो 25 से 34 वाले इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। बेसिकली मेरे बिजनेस की जो मार्केट साइज है वो यही वाली है, उसके बाद तो फ्री में अगर हमारी एड शो हो रही है यहाँ पे, क्लिक्स वगैरह इंप्रेशन आ रहे हैं तो ये मेरे पैसा बर्न हो रहा है, इससे मुझे कन्वर्जन नहीं आता क्योंकि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो यही मार्केट साइज को ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, तो मैं जो नए कैंपेन क्रिएट करूंगा उनमें से इनको एक्सक्लूड कर दूंगा। यही सारे इंपॉर्टेंट फीचर आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में लेने होते हैं, जैसे जैसे आप कैंपेन रन करते हैं आपके वो ये सारे डेटा मिलते रहते हैं, इन डेटा के बेसिस पे हम अपनी फर्दर प्लानिंग करते हैं, जो हमारे फ्यूचर कैंपेन होंगे उसमें मैं ये वाली ऑडियंस नहीं क्रिएट करूंगा क्योंकि मेरे पास जितनी भी कन्वर्जन आई है मेरा कोई भी कन्वर्ट नहीं हुआ इससे। ठीक है, अगर मैं एज और जेंडर पे क्लिक करूंगा तो मुझे दोनों चीजें एक साथ दिखा देगा, 18 से 24 वाले मेरे पास जो मेल है वो 380 कन्वर्जन आई है लेकिन जो मेल है वो 389 कन्वर्जन आई है, तो नो कन्वर्जन का दोनों में डिफरेंस है, लेकिन नो कन्वर्जन आपको देखना पड़ेगा कि टिकट साइज कितना है, क्योंकि अगर टिकट साइज अगर प्रीमियम हुआ तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा ह्यूज होता है। मेरे केस में ये टिकट साइज का अंतर है, ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो नो कन्वर्जन है ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों के रिवेन्यू में। उसके बाद यहाँ से 18 से 24 का है, आप देख सकते हैं, थोड़ी एनालिसिस करने के लिए आप देखिए कौन कौन सा आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट लगती है इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, फ्यूचर में पर्टिकुलर कैंपेन प्लान कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेल पे या पर्टिकुलर फीमेल पे, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप पे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारा कन्वर्जन के लिए कस्टमाइज किया गया, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको इंप्रेशन के लिए या कॉस्ट के लिए या क्लिक्स के लिए कर लेते हैं, एक बार क्लिक्स पे करके देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये सारा जो है मेरे मैक्सिमम क्लिक जो आए हैं वो मेल्स के आए हैं, उसके बाद फीमेल के थोड़े से कम है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ पे कॉस्ट के भी ये देख सकते हैं, मान लीजिए मैं देखता हूँ कि मेरे मेल्स पे कितने सबसे पैसे स्पेंड हुए हैं, मेरे 1,25,000 तो मेल पे स्पेंड हुए हैं और 1,23,000 फीमेल पे स्पेंड हुए हैं, तो लगभग मैंने दोनों पे इक्वली स्पेंड किया लेकिन मुझे मेल से कन्वर्जन ज्यादा आ रहे हैं फीमेल से कम। ठीक है, ऑल्दो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट ये आपको देखना पड़ेगा, डिसीजन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप इस लेवल पे हैं तो आपको लेने पड़ेंगे कंपनी के लिए बिजनेस के अकॉर्डिंग। बाद यहाँ पे डे एन आर का कार्ड आ रहा है, आप देखेंगे कि मेरी एड, मैं डे पे क्लिक करता हूँ तो डे वाइज मेरा कितना सीटीआर आया, संडे में इतना सीटीआर आ रहा है, मंडे में इतना सीटीआर आ रहा है, तो आप किसी पर्टिकुलर डे में अपना बिडिंग ज्यादा कर सकते हैं, अपनी एड को ज्यादा शो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डे में, और किसी अगर दिन में आपको अगर कन्वर्जन कम आ रहा है, आपका ट्रेंड देख लिया आपने 3 महीने 6 महीने में निकाल के कि इस दिन पे मुझे सबसे ज्यादा कन्वर्जन आता है, तो उस पर्टिकुलर डे पे आप ज्यादा बजट खर्च करिए। ठीक है, तो ये सीटीआर पे अभी कस्टमाइज हो रखा है, मैं इसे सीटीआर की जगह पे कॉस्ट पे या कन्वर्जन पे कर देता हूँ, मान लीजिए मैं कॉस्ट पे कर देता हूँ, तो अब देखिए सबसे ज्यादा मेरा जो पैसा स्पेंड हो रहा है वो मेरा ट्यूसडे पे स्पेंड हो रहा है। ठीक है, 1,22,000 पे मेरा ट्यूसडे पे स्पेंड हुआ, उसके बाद वेनसडे में मेरा 1,21,000 स्पेंड हुआ, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में मेरे पीक लेवल के डे हैं, लेकिन सबसे कम स्पेंड हो रहा है संडे में 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो संडे में अगर मैं, आप अब ये देखिए अपनी टीम के साथ, सेल्स टीम के साथ जो कन्वर्जन आया है वो संडे में ज्यादा आया है आपका या मंडे में ज्यादा आया है, ट्यूसडे में ज्यादा आया है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ 7 मंथ आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर डे पे आप पैसा बजट को ज्यादा स्पेंड करिए जिसमें आपका कन्वर्जन ज्यादा आ रहा है, और वाइस वर्सा जो दूसरे दिन रह गए जिसमें आपको कन्वर्जन कम आ रहा है आप उसमें बजट को कम स्पेंड करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फ्राइडे में मेरे बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग कन्वर्जन कम आता है क्योंकि लोगों का वीकेंड होता है, लोग छुट्टी में जा रहे होते हैं, कुछ भी आप रीजन कह लीजिए, इसमें मुझे कन्वर्जन कम आता है तो मैं इसमें अपना बजट कम कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे दिन पे अगर आप देखेंगे तो बजट लमसम सेम ही है, लेकिन मैं फ्राइडे अगर मेरा कन्वर्जन नहीं आता मैं बजट कम कर दूंगा। ये सारे आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप आर्ली वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर घंटे कितना बजट स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बजट जो मेरा स्पेंड हो रहा है, मैं पीक लेवल में देखूं तो 8 से 9 के बीच में मेरा सबसे ज्यादा बजट स्पेंड हुआ है, उसके बाद 9 से 10 में,
10 से 11 में, 11 से 12 में, तो आप ये देख सकते हैं सुबह के टाइम पे मेरा सबसे कम बजट लगता है। ठीक है, मैं इसको कोस की जगह पे कन्वर्जन पे कर देता हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कन्वर्जन पे, ऑल कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। मैंने अभी ऑल कन्वर्जन लिया, आप देखेंगे कन्वर्जन पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे होवर मेन्यू। अब ऑल कन्वर्जन लिया हुआ है मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन आप देखेंगे तो कन्वर्जन की कुछ कैटेगरी भी होती है, परचेज या सेल, साइन अप फॉर्म, व्यू ऑफ अ की पेज, फोन कॉल्स लीड। तो मैंने भी यहाँ पे ऑल कन्वर्जन ले लिया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कस्टमाइजेबल है। सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू वाले टाइप पे हूँ, अभी ये सारी चीजें और रहती हैं, देखेंगे। बट ओवरव्यू में जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ओवरव्यू है, तो आप सारे कैंपेन का यहाँ पे पर्टिकुलर डेट के साथ आपको सारे स्टेट यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, लास्ट यहाँ पे नेटवर्क का कार्ड आ रहा है। नेटवर्क का कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली आपके कितनी टाइप्स की एड चल रही है। आप देखिए कलर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक जो मेरा नेटवर्क है वो गूगल सर्च एड का है, दूसरा नेटवर्क है मेरा डिस्प्ले एड का है, तीसरा नेटवर्क मेरा सर्च पार्टनर है, फोर्थ जो मेरा नेटवर्क है वो यूट्यूब वीडियो है। ठीक है, तो आप कलर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं मेरा सबसे ज्यादा जो पैसा स्पेंड हुआ है वो सर्च एड में स्पेंड हुआ है, उसके बाद मेरा डिस्प्ले एड में भी सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ। देखिए येलो जितना भी आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा येलो पोर्शन में। ठीक है, वही तीन कस्टमाइज हो रखे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन के लिए, कॉस्ट के लिए और सीपीसी के लिए। मैं एवरेज सीपीसी को हटा के मान लीजिए क्लिक्स कर देता हूँ तो आपको क्लिक्स का डेटा मिल जाएगा। ये तीन इंपॉर्टेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा होते हैं। अगर यूट्यूब वीडियो है तो आप व्यू देखेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा पैसा गूगल सर्च एड में लगा हुआ है, उसके बाद डिस्प्ले में मैंने बहुत ही कम ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मैंने लगभग मैंने 4-4.5 हजार ही डिस्प्ले नेटवर्क में खर्च किया, लेकिन अगर आप सर्च एड में देखेंगे तो लगभग 7 लाख रुपए मैंने खर्च किया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने को मिलेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट टू का लिंक मिल जाएगा। पार्ट टू में मैंने ये सारे मेन्यूज को डिस्कशन किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।